और गाइज हेलो गाइज वेलकम टू माई ब्लॉग, वेलकम बैक टू माई चैनल। और मैं आज के स्कूल से मैं हो चुकी हूँ रेडी रेडी रेडी। बाय द वे मैंने नाइट सूट इसलिए पहना है क्योंकि हमें 5 बजे किसी फंक्शन में जाना है। हैरी का ही कोई फंक्शन है तो वहाँ पे जाना है, उसकी कोई मौसी है तो उनके जाना है, वहाँ पे उन्होंने नया मकान बनवाया तो उसकी पूजा के लिए वहाँ पे जाना है। गाइज अभी जो हो चुकी है वो शाम, और शाम के बज चुके हैं 5। और अभी नीशू, निक्की आंटी, मैं, पापा, मम्मा, हम 5 जा रहे हैं। ज्योति आंटी मतलब जो हैरी की जो मौसी है ना, रितु मौसी है वो, तो उन्होंने अपने नए मकान का पूजा पाठ रखा है तो वहाँ पे जा रहे हैं। ये मेरा आउटफिट है, ये मेरा ग्रीन वाला वन ऑफ शोल्डर टॉप है, साथ में वाइट पर्स लिया है क्योंकि मम्मा को अच्छा लगा, वरना तो मुझे यूनिकॉर्न वाला अच्छा लग रहा था। बाल अभी क्लच करे हुए हैं, बाद में फिर ओपन कर लूँगी। और नीचे ब्लैक जीन्स है और इसी के साथ वाइट शूज़ पहन लेंगे तो बहुत मस्त मैच हो जाएगा। और मैं अपने आउटफिट का आपको प्रेप भी दिखाऊँगी। यहाँ पे नीचे ने ऑरेंज फ्रॉक पहनी है और ये दूध भी रहा है और ये बहुत प्यारा लग रहा है। और आप कमेंट्स में बताना कि मेरा लुक आपको कैसा लगा। चलो गाइस दिखाती हूँ अपना प्रेप। अभी हम जो है हम पहुँच चुके हैं, निशु मिट्टी भी खेलने लग गई थी क्योंकि यहाँ बहुत सारी मिट्टी है। और अब हम चलते हैं और अपने बाल सेट कर लिए। कांच नहीं था, फ़ोन में देख के पता चला है। हेलमेट लगाने के बाद सारे बाल ऐसे हो गए गुस्त गुस्त से, आंटी का मूवी ऐसे ही हो गया। ये रही ज्योति आंटी, ये रही ज्योति आंटी, आंटी ने स्मार्ट वॉच भी पहन रखी। गाइस यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चल रही है और मैं गाना गा रही हूँ इन्नी 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 इन्नी। भाई तो यहाँ पे बहुत अच्छी रील बन सकती है क्योंकि मेरी ब्राउन आईज़ है और ब्राउन आईज़ के साथ ही बड़ी सी ट्यूबलाइट है इसलिए। और यहाँ पे जो पूरा है ना वो अंधेरा है और ये गाइस पूरा अंधेरा ज़मीन है, मतलब नीचे प्लॉट है ना, तो मैं इतना पहुँच गई, मतलब यहाँ पे गिरने का रिस्क भी है बच्चों का ही बड़ों का भी। इसका स्लो मोशन मुझे करना है लेकिन वो मुझे आता नहीं है, बट किसी ना किसी दिन ट्राई करेंगे, अभी तो नहीं कर सकते। देखो यहाँ पे आते हैं ना ऐसे, जब मेरे ऐसे बाल आते हैं ना तो लोग सोचते हैं कि कौन आ गई ये भूतनी है, और जब मैं ऐसे रहती हूँ ना ऐसे ऐसे तब अच्छा। आप कमेंट्स में बताना आपको कैसा लगता है। चलो फोन गिर जाएगा। सो गाइस अभी हम जो डिनर करने बैठ चुके हैं, मतलब यहाँ पे खाना रखा था वो, और यहाँ पे देखो ये है पिंक कलर का ट्यून और ये येलो कलर का, इतना प्यारा लग रहा है ना, धीरे गिर जाओगे। पिंक लग रहा है पिंक कलर चैलेंज जैसा और येलो लग रहा है येलो कलर चैलेंज जैसा, लेकिन गाइस चिंता मत करो ऐसा मेरी मम्मा भी बना सकती है। ये कड़ी है और ये बाटी है, खा के देखो। अब कड़ी के साथ साथ हमारी दाल भी आ चुकी है और स्पून भी आ चुकी है। अरे ऐसी स्पून तो मेरे किचन सेट में भी है। यहाँ पे आ गई दाल, नींबू आ गया, गना बिंगो देख रहे हैं। इन दोनों गिलास का तो पता नहीं, कभी तो खाना खा लेते हैं। ये हमारी है प्लेट तो ये खाते हैं देसी खाना, फिर देखते हैं दोनों में क्या आता है, मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। सो गाइस यहाँ पे जो है ये मेरी थाली है और मैं खा रही हूँ, सच में बहुत टेस्टी है। सबसे पहले मैं सारा खाना फिनिश कर लूँगी और उसके बाद कढ़ी चावल खाऊंगी और इसमें किशमिश है तो वो मेरे को सबसे गंदी लग रही है। यहाँ पे जो है यहाँ पे रितु आंटी जो है ये लाइट वाला कांच है, स्क्वायर वाला वॉश बेसिन है, थोड़ा गंदा हो रहा है क्योंकि अभी नए नए है ना, यहाँ से बटन ऑन करना है तो इसकी लाइट ऑन हो जाएगी फिर से ये जल जाएगा।
अभी ये जो लाइट है ना ये गोल्डन वाली चल रही है, फिर ये वाइट वाली आ गई, थोड़ा सा टच सेंसर इसका भी थोड़ा वो हो रहा है ना डाउन, और फिर ये गोल्डन अब बंद हो गई। अरे वो गोल्डन नहीं थी, वो शायद थोड़ी सी, मतलब थ्री टाइप्स के लाइट है इसमें, ये गोल्डन, ये वाइट, और इसका पता नहीं ओको की है ये। तो इसमें बहुत प्यारा व्यू हो रहा है, यहाँ पे सबसे अच्छा काट है। अच्छा गना, ओ गना आप कहाँ से आए हो, दीदी को बता दो। अरे बताओ ना, मेरी जोर है। चलो चलते हैं। अरे इधर नहीं, इधर गाइस देखो, यहाँ पे सबके प्यारे प्यारे शूज़ है। हाँ हमारे शूज़ देखो कहाँ हैं, कहाँ पे जाके फंसे थोड़े, क्योंकि बहुत सारे लोग आए ना। गाइस मेरा जो ग्रीन टॉप है ना, पहले उसको वो करने वाली थी, ओवर शोल्डर ऑफ शोल्डर मतलब जो बोल रहे, बट फिर मैंने मना कर दिया, ठीक है क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा। मम्मा भी आ चुकी है, पापा कहाँ हैं, पापा को छत से बुलाते हैं, देखते हैं उनके पास आवाज़ पहुँचती है। नहीं ऊपर तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे। गाइस पापा तो कहीं खाए, घर कैसा लगा कमेंट्स में बताना। और फिलहाल इस ब्लॉग को मैं अभी यहीं एंड कर देती हूँ क्योंकि बहुत लंबा हो चुका है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते जल्दी से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। देखो गाइस ये कितना क्यूट डॉगी है, इसकी आँखें देखो, वाइट कलर के डॉगी है ना, चाहे बाहर वाले हो चाहे पेट हो, बहुत प्यारे लगते हैं। और यहाँ पे ये दोनों लड़ नहीं रहे हैं और ना ही एक दूसरे को नुकसान पहुँचा रहे हैं, दोनों खेल रहे हैं। आई थिंक भाई भाई होंगे या बहन बहन होंगे या फिर बहन भाई होंगे। अब फिर से खेलेंगे।